आपकी इकलौती बेटी है ये? नहीं, बेटी तो दो ठो था, एक ठो को शादी कर दिए थे, ये छोटी वाली था। तो ये जब बेटी आपकी परसों संडे रविवार के दिन अचानक से गायब हो गई, तो उसके बाद तो तलाश किए होंगे? हाँ, तलाश बहुत ढूंढे उसको, इधर उधर हर जगह। अच्छी है जिनकी बॉडी आई है वो आपकी? कौन? हम पिताजी हैं। आपके पिता है, क्या मामला है, कब आपको इसके बारे में खबर मिली? इसके बारे में हमको 4 बजे सुबह में कल जो है सो कुछ लोग बता रहे थे कि आपका जो लड़का था कुछ प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, तो उसने शादी नहीं की, उसके बाद उसने धमकी दिया था कि हम तुम्हारे घर की भी किसी बेटी को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। हाँ, वैसे ही बोला था, लेकिन अभी तक ये चीज पूरे क्लियर पता नहीं। जांच की बात है, आप जिला में लगातार ऐसी खबरें आ रही है। अभी जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर दो बॉडी है, पहले से एक एम्बुलेंस लगा हुआ है जहाँ जयनगर में 23 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है, वहीं एक यहाँ पर है, इसके अंदर एक बॉडी, इस ऑटो के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। आपको बताएं कि जब हमने इनसे इनके परिजनों से ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि आपने अपनी बेटी की बॉडी को इस तरह से लेकर के आए हैं, तो इनका ये कहना था कि जब हमने पुलिस प्रशासन से इस बात की जानकारी दी, उन्हें जब इस बात की जानकारी दी कि हमारी बेटी की हत्या हो गई है, तो उन्होंने ही ये बात कही कि आप ऑटो से अपना ऑटो करके बॉडी को ले जाइए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया जा सकता है सरकार के द्वारा के किसी की बेटी को कम से कम उसकी बॉडी को इज्जत के साथ कहीं लेकर के जाया जा सके। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी सदर अस्पताल में और मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसके अंदर एक बेटी की लाश रखी हुई है जो महज 19 साल की है। अभी 12वीं की परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि राजनगर का ये मामला है, राजनगर के चिचड़ी गाँव की ये निवासी थी और वहाँ उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बताएं कि संडे के दिन शाम 6 बजे तक ये बच्ची अपने घर में थी और अचानक घर से ये कहीं जाती है और उसके बाद ये लड़की गायब हो जाती है। गायब होने के बाद होता ये है कि जो घर के लोग हैं वो उन्हें ढूंढते हैं, तलाशते हैं। इनके जो पिता हैं वो काठमांडू में रहते थे, उन्हें भी पता चलता है, वो कल आते हैं पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी देते हैं और इस तलाश में जुट जाते हैं कि आखिर इनकी बेटी है कहाँ, लेकिन इन्हें पता नहीं चलता। उस जगह को तलाशते हैं, आसपास के जगह को तलाशते हैं, लेकिन उसकी उसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। लेकिन अचानक ये खबर आती है कि एक बॉडी एक पोखर के पास, एक तालाब के पास है, और जब ये लोग वहां जा करके पता करते हैं तो पता चलता है कि ये उनकी ही बेटी है जिसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इसके बारे में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है जो इस लड़की की, इस बच्ची की हत्या की गई है, तो पता ये चल रहा है कि पहले से ही लगभग 1-1.5 साल पुराना एक मामला था जब इसी लड़की का जो भाई है वो किसी लड़की से प्रेम प्रसंग करता था और उस जिससे वो प्रेम प्रसंग करता था वहाँ उसकी शादी नहीं हुई, और जो सामने वाला लड़की का जो पक्ष था उसका ये कहना है, उनके परिजनों का ये कहना था कि हम तुम्हारे घर की भी बेटी का ऐसा हाल कर देंगे। ये भी आरोप इनके ही परिवार के किन्हीं लोगों का है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या वाकई उन लोगों का इसमें हाथ है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई दुश्मनी थी और इस वजह से इस लड़की की हत्या कर दी गई। महज 19 साल की इस लड़की के साथ जिस तरह से ज्यादती की गई है ये काफी परेशान करने वाला है। मधुबनी जिला में लगातार ऐसी खबरें आ रही है। अभी जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर दो बॉडी है, पहले से एक एम्बुलेंस लगा हुआ है जहाँ जयनगर में 23 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है, वहीं एक यहाँ पर है, इसके अंदर एक बॉडी, इस ऑटो के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। आपको बताएं कि जब हमने इनसे इनके परिजनों से ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि आपने अपनी बेटी की बॉडी को इस तरह से लेकर के आए हैं, तो इनका ये कहना था कि जब हमने पुलिस प्रशासन से इस बात की जानकारी दी, उन्हें जब इस बात की जानकारी दी कि हमारी बेटी की हत्या हो गई है, तो उन्होंने ही ये बात कही कि आप ऑटो से अपना ऑटो करके बॉडी को ले जाइए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया जा सकता है सरकार के द्वारा के किसी की बेटी को कम से कम उसकी बॉडी को इज्जत के साथ कहीं लेकर के जाया जा सके। जिस बेबसी के साथ इनके घर वाले होंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बॉडी इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का सिस्टम कितना बुरा है और कितनी बदहाली से गुजर रहा है। जानते हैं इनके परिजनों से बातचीत करके कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? किशन ठाकुर। किशन जी, ये जो बच्ची है जिनकी बॉडी आई है वो आपकी कौन है? हम पिताजी हैं। आप उनके पिता है, क्या मामला है, कब आपको इसके बारे में खबर मिली? इसके बारे में हमको 4 बजे सुबह में कल जो है सो पता चला। हम बाहर रहते थे, बाहर रहने के बाद जो है सो हम काठमांडू तरफ में रहते थे, नेपाल में, तो उधर से हम लोग 12 बजे इस जगह में आए। कल आए हैं? हाँ, कल हमको 4 बजे सुबह में ये चीज पता चला उस जगह। बेटी का क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। तो जो नीतू कुमारी है, क्या 19 साल की है? हाँ, इंटर का वो परीक्षा ये फाइनल दी थी, अभी रिजल्ट आना है ना जी।
तो कब आपकी बेटी घर से कब गायब हुई? आपको एतवार को 6 बजे तक मैं घर में था। 6 बजे के बाद में उसकी माँ चला गया सब्जी लेने, उसके बाद में जो ये घर में अकेले था वो घर से बाहर निकल गया। आपकी इकलौती बेटी है ये? नहीं, बेटी तो 2 था, 1 को शादी कर दिए थे, ये छोटी वाली था। तो ये जब बेटी आपकी परसों संडे रविवार के दिन अचानक से गायब हो गई, तो उसके बाद तलाश किए होंगे? हाँ, तलाश बहुत ढूंढे उसको, इधर उधर हर जगह जहाँ जहाँ हुआ, अपना जनतव्य कहीं नहीं छोड़े। उसके बाद में क्या बोलते हैं, नहीं मिला, तो फिर जो है सो कल दिन में भी हम आ गए उधर से 12 बजे, तो फिर उसको खोजना शुरू कर दिया। पुलिस में कंप्लेन किया? पुलिस में कल में हम आने के वक्त में पहले पुलिस को कंप्लेन किया। अच्छा, क्या प्रशासन ने ढूंढना शुरू कर दिया था, तलाश कर? नहीं किया था, नहीं किया था प्रशासन। बोला था हम जो है सो करेंगे, ऐसे बोल करके हम लोगों को भेज दिया। कहाँ घर है आपका? राजनगर में? राजनगर चिचरी बुजुर्ग। तो वहाँ जब ये मामला हुआ है, कोई पुराना कोई मामला रहा होगा, कोई रंजिश रही होगी किसी से, लड़ाई झगड़ा कुछ? ये सब तो 1 साल पहले हो गया था, लेकिन अभी तक पूरे पता क्लियर नहीं चला कि मतलब वही हुआ था। 1 साल कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, फिर भी क्या हुआ, मामला होगा ना, ऐसे झगड़ा झांटी हो गया था। किससे हुआ था? तो अपने ही बगल में था आदमी, मतलब पड़ोसी से ही झगड़ा हुआ था। कुछ लोग बता रहे थे कि आपका जो लड़का था कुछ प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, तो उसने शादी नहीं की, उसके बाद उसने धमकी दिया था कि हम तुम्हारे घर की भी किसी बेटी को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। हाँ, वैसे ही बोला था, वैसे ही बोला था, लेकिन अभी तक ये चीज पूरे क्लियर पता नहीं। जांच की बात है, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वही वजह हो? ये चीज अभी तक क्लियर नहीं पता चला कि वही ये काम किया। बॉडी कहाँ पे मिली आपको? बॉडी पोखर में था, पोखर में, पानी में। किस अवस्था में थी बच्ची? सिर्फ ऐसे डेड बॉडी था या चोट लगी थी या फिर फांसी लगा हुआ था, क्या लग रहा था? वो पानी में था, पानी में था। तो जिस जगह पानी में था वहाँ पहले नहीं तलाश करवाए थे, पहले नहीं खोजा था? नहीं, इस चीज पता नहीं चला। आज वो जो देखा एक आदमी तो उन्हें बोला, और उससे पहले उसको ढूंढे थे तो उस जगह में नहीं था। अच्छा, वहाँ ढूंढे थे उस जगह पे नहीं था? नहीं था, मतलब ये है कि या कि पानी के नीचे था, ये चीज पता नहीं चला, आज पता चला। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।